भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो वो लोग राज्य पाकिस्तान से मिला देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग सत्ता के लिए आतंकी हिजबुल से भी हाथ मिला सकते हैं। बता दें कि उक्त बयान से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर कहा था कि कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और हिजबुल के साथ भी गठबंधन कर सकती है। सोमवार रात गया जिले के महकार गांव में स्थित अपने पैतृक आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए का अभिमत है कि कांग्रेस वाले लोग अब्दुल्ला से हाथ मिला लें। अब्दुल्ला की क्या रीति और नीति रही है यह कांग्रेस से छिपा नहीं है, लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लागू करना चाहता है। ये भी लोग SC ST के विरोधी हैं और अब्दुल्ला से हाथ मिलाने का मकसद सिर्फ कांग्रेस उसी एजेंडे पर काम करना चाह रही है जो पहले चल रहे थे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अगर जीत गए तो पाकिस्तान को फायदा होगा और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बांग्लादेश की सरकार जब से बदली है वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के साथ गलती किया था, अगर कश्मीर को उसी वक्त पूर्ण रूप से अंगीकृत कर लिया जाता तो मसौदा अभी भी वह नहीं होता। वैसे ही इंदिरा गांधी ने यह गलती की कि बांग्लादेश को जीत कर 91,000 फौज को सरेंडर करवा कर उसको अलग देश बनाने की क्या ज़रूरत थी, भारत में मिला लेते तो आज ये स्थिति नहीं आती। संसार में एक धर्म फैलाना है और उसी धर्म एजेंडा पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि PM यूक्रेन गए हैं और वहां बताया कि युद्ध नहीं करेंगे। वैसे ही बांग्लादेश की सरकार वहां के अल्पसंख्यकों पर अगर ध्यान दे तो हालात बदतर नहीं होंगे।